प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक आइंस्टीन समीकरण दे दी। क्या कहते हैं आइंस्टीन थ्योरी देखते हैं इसकी। कहते हैं आपको पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन है, आपने इसके ऊपर फोटोन गिराया, फोटोन की ऊर्जा मान लो एच न्यू है, वो फोटोन ऊर्जा देगा इस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देके पहले तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन कार्यफलन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ती है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर आपने वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा, साथ में मूव भी करेगा, मोशन भी करेगा। ये आइंस्टीन की एक थ्योरी है, कहता है कि आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को लाइट गिराई, उस लाइट ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेके एक तो बाहर आ गया, बाकी जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको उसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया। अपने जो फोटोन से एनर्जी दी वो एनर्जी ई थी, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ एनर्जी लेके तो बाहर आ गया, वो तो है वर्क फंक्शन कार्यफलन। बाकी एनर्जी को चेंज कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी दी ई इक्वल एच न्यू, उसमें से वर्क फंक्शन लेके बाहर आ गया, बाकी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। अगर हमने जो लाइट गिराई है उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू जीरो हो, ये होती डेली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी अगर आप ये इतनी लाइट वाले इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराई तो क्या होगा, यदि अगर यहाँ पर न्यू ना लेके न्यू जीरो ले तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर ही आएगा, मोशन नहीं करेगा, क्योंकि दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिससे हम लाइट गिराएं वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आए, तो ये सिर्फ बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी ये डब्ल्यू जीरो वैल्यू आ गई, एच न्यू इज इक्वल एच न्यू जीरो प्लस प्लस में हाफ एम बी स्क्वेयर, ये आपकी इक्वेशन होगी। ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। इसको आप लैम्डा के टर्म में चेंज करें तो एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा जीरो प्लस हाफ एम बी स्क्वेयर, ये भी आइंस्टीन की इक्वेशन आ गई। अगर आप चाहो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो वो देखते हैं, एच न्यू इज इक्वल एच न्यू जीरो प्लस में ई वी जीरो, ले लो एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा जीरो प्लस ई वी जीरो। ये बी जीरो जो है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव है, ये ऊर्जा के पदों में इक्वेशन है, ये निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म। ये जो परफेक्ट मैसेज है ये सब जनरल में चल रही है फिलहाल तो, और थोड़े ही दिनों में ये राइस लेवल में बैच स्टार्ट करेंगे। अपने जो बैच चल रहे हैं वो 8th 9th 10th इनके चल रहे हैं मैथ्स के, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो आरबीएससी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो। 11th और 12th के लिए फिजिक्स के बैच चल रहे हैं, वही बात हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आरपीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, 11th 12th बैच चल रहे हैं बीओ के, ये सिर्फ डिजाइन में चलेंगे बीओ और बॉन्ड के। सीबीएसई आरपीएससी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिर्फ डिजाइन के, और ये जो है ये विजन में भी चलेंगे और राइस नगर में भी चलेंगे, SBNR और RSNR दोनों में चलेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, नाम प्रमोद बुरा है मेरा, आप कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो इस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो।